का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू, आप लोगों का दोस्तों मैं आया हूं अल सुगरा फिश एंड एक्वेरियम अहमदाबाद गुजरात, गुजरात की वन ऑफ द बेस्ट पेट शॉप। यहां पर आए हैं ग्रीन विंग मकाओ और ब्लू एंड गोल्ड मकाओ हैंड टेम में, तो दोनों ही बर्ड्स आज दिखाऊंगा और इनके बारे में कुछ ना कुछ आपको जानकारी दूंगा, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव एपिसोड होने वाला है और आप इनको खरीद भी सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन जाकर चेक करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों आज का एपिसोड सुपर एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि आपको सिर्फ ग्रीन एंड विंग मकाओ के बारे में जानने को नहीं मिलेगा, पर आपको अफ्रीकन ग्रे दिखाऊंगा, काकाटूट दिखाऊंगा और ब्लू एंड गोल्ड मकाओ की पेयर, ब्रीडिंग पेयर दिखाऊंगा, वो भी हैंड टेम, और गिनी पिग भी दिखाऊंगा जो गिनी पिग मैंने खरीद लिए हैं अल सुगरा फिश एंड एक्वेरियम से और ले जाऊंगा अपने फार्म पे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा अल सुगरा फिश एंड एक्वेरियम अब वेरीफाइड सेलर होने वाली पहली पेट शॉप है, तो यहां से आप कुछ भी खरीद सकते हैं बिना किसी झिझक के। मैं डायरेक्टली इनके ओनर के साथ कांटेक्ट में रहता हूं, तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ग्रीन विंग मकाओ, इनको ग्रीन विंग इसलिए कहा जाता है इनके परों के ऊपर हल्का सा ग्रीन कलर होता है, पहली चीज़। दूसरी, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकाव है जिसकी साइज़ दोस्तों तकरीबन 35 से 37 इंच के बीच होती है, मतलब के 3 फीट लंबा ये मकाव होता है, मतलब कि इसकी बीक से लेकर टेल तक। दिखने में दोस्तों आप अभी कैमरे में नहीं जज कर पा रहे हैं, मैं इसके नज़दीक था, ब्लू एंड गोल्ड मकाव से तकरीबन मुझे ये सवा गुना लगा दोस्तों, ठीक है, और मैं डर गया था। एक्चुअल में इसकी बीक देख कर आप डर जाएंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये बड़े जेंटल होते हैं, जैसे कि हमारे अफ्रीकन ग्रे होते हैं वैसे ही ये जेंटल होते हैं, ये आपको अपनी इतनी बड़ी नुकीली चोंच से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब दूसरा जो जोड़े की बात कर रहा था, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ, दोस्तों अल सुगरा पे आप नीचे आकिफ भाई के मैंने पर्सनल नंबर दिए हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आपको डिलीवरी अवेलेबल करवा दी जाएगी। अफ्रीकन ग्रेवी दोस्तों जो मार्केट में प्राइस रहता है वही प्राइस में आपको मिलेगा, और काकाटू भी है यहाँ पर इनके पास, काकाटू के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ब्लू एंड गोल्ड मकाओ की प्राइस में आपको बताता हूँ। ब्लू एंड गोल्ड मकाओ की प्राइस दोस्तों मैं आपको तकरीबन बताना चाहूँगा कि अगर मारुति सुजुकी सेलेरियो लेंगे या आप क्विड लेंगे, क्विड का बेस मॉडल, उसके आसपास आएगी। ये आप अमेजोन पैरोट देख रहे हैं। तो चलिए फिर से ग्रीन विंग मकाओ पे आ जाते हैं कि ग्रीन विंग मकाओ की दोस्तों प्राइस क्या रहती होगी। उनकी प्राइस दोस्तों मेरे पास होंडा अमेज है, होंडा अमेज खरीद सकते हो तो आप ये खरीद सकते हो, लेकिन इसमें चीज़ है कि होंडा अमेज पे लोन मिल सकती है, इस पे आपको लोन नहीं मिल सकती। और यही गिनी पिग आप दोस्तों देख रहे हैं, इसके पीछे मेल है आगे फीमेल है, इनको मैंने परचेस कर लिया है, बहुत जल्द फार्म पे विजिट हो जाने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है आज का एपिसोड, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी मोल ऑप्शन दबाइए। और दोस्तों आप लोगों के सुझाव जो अल सुगरा फिश एंड एक्वेरियम के बारे में है वो भी मैंने आकिफ भाई तक पहुंचाए हैं, उन्होंने कहा है कि वो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए और काम करेंगे, और बेटर क्वालिटी और बेटर अटेंशन आप लोगों को मिलने वाला है इस पेट शॉप पे, वन ऑफ द बेस्ट गुजरात की पेट शॉप है दोस्तों। तो इसका प्राइस आपको पता चल गया होगा, आप होंडा अमेज का मॉडल जाकर देख सकते हैं, उतना इसका प्राइस है। और ये एक आपको कह दूं दोस्तों, वाइल्ड पेयर है और ब्रीडिंग पेयर है विथ डीएनए है, मतलब कि ब्रीड करेंगे दोस्तों। ऐसे तो कहा जाता है कि मकाओ जो है तकरीबन 7 साल के बाद ब्रीड करना शुरू करते हैं, जो मकाव है ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मकाव है, और ये ब्लू एंड गोल्ड मकाव है वो भी तकरीबन 6.5-7 साल के बाद ही ब्रीड करते हैं। और इनकी एरिया की दोस्तों बात करूँ मैं तो ये भी साउथ अमेरिका के ब्राज़ील के जंगल हैं, उनके आसपास का जितने भी कंट्रीज़ हैं बुलावायो वगैरह जो भी हैं उसमें ये पाए जाते हैं। ब्लू एंड गोल्ड भी वहीं पाया जाता है, और ये जो आप ग्रीन विंग देख रहे हैं वो भी वहीं पाया जाता है। इसमें 3 से 4 इंच का दोस्तों फ़र्क देखने को मिलता है। खाने में क्या खाएंगे, तो खाने में दोस्तों इनको नट्स बहुत पसंद है, बेरीज़ बहुत पसंद है, जो ब्लू एंड गोल्ड को पसंद है वो इनको पसंद है। आप इनको गन्ना दे सकते हैं, इनको पूरा पोमोग्रेनेट दीजिए तो ये खुद से छील के खाएंगे दोस्तों, पोमोग्रेनेट इनको बहुत पसंद है। पाम नट्स मंगवा सकते हैं आप इनके लिए, इम्पोर्टेड पाम नट्स आपको अमेजोन वगैरह पे मिल जाएंगे। इनको सीड्स बड़े पसंद है, मूंगफली दे सकते हैं दोस्तों आप इनको, ठीक है। तो काफ़ी वेराइटीज़ में आप इनको फूड्स दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं जैसे कि सीजनल जो भी फ्रूट्स आते हैं। याद रहे किसी भी दोस्तों एक्जोटिक बर्ड को आपको मीठा फ्रूट नहीं देना है, जो बहुत
एक्सेसिव मीठा हो, उसको एक्सेसिव मीठा फ्रूट आपको नहीं देना है, ठीक है। तो दोस्तों जिनको भी ये बर्ड्स ख़रीदने हैं, तो मैं कहूँ कि आपके पास अच्छा खासा, जैसे ये बड़ा केज है वैसा बड़ा केज होना चाहिए, या फिर एक बड़ा सा रूम देना होगा ताकि इनके ख़रीद कर आप इनकी ब्रीड भी ले सकें। दोस्तों ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पैरट है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकाव है, ठीक है। तो 3 फीट तक इसकी हाइट वगैरह होती है। तो कैसे लगे फैक्ट्स जानकर आपको हिंदी में, मुझे ज़रूर बताइएगा। इनको हैंडटेम भी किया जाता है। दोस्तों इनकी एक्सपेंसिव होने का राज यही है कि इनकी ब्रीडिंग साइकिल बहुत बड़ी है। ये तकरीबन 50 से 70 साल तक जीते हैं, ठीक है। अगर 50 साल भी गिन के चला जाए तो इसी वजह से ये इंसानों की तरह काफ़ी बड़ी उम्र में होके ब्रीड करते हैं। ऐसा नहीं है बजरीज है या कोकाटेल है जो 6-8 महीनों में ब्रीड करने लगते हैं, वैसे ये नहीं करते हैं। तो ये एक तो इनका प्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत लंबा है, प्लस ये 2 से 3 ही अंडे देते हैं। दोस्तों 3 से ज़्यादा अंडे नहीं देते, बहुत बहुत तो 4 देंगे, लेकिन बच्चे 2 या 3 ही बड़े होते हैं। और साल में ये तो 1 ब्रीड करते हैं या 2 ब्रीड करते हैं, तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसका वेटिंग पीरियड जो बच्चों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी प्राइस जो है वो कम नहीं हो रही इतनी जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्यों एक्सपेंसिव होते हैं ये भी समझ में आ चुका होगा, प्लस इनका जो रखरखाव है वो भी महंगा है, ब्रीड करवाने के लिए बड़ा कमरा देना होता है। तो सब चीज़ों की वजह से दोस्तों इनका जो प्राइस है वो नीचे नहीं जाता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव है। अगर ब्रीड बड़ी भी तो आप इनका प्राइस थोड़ा सा 1 या 1.5 या 2 लाख रुपये इन फ्यूचर में कम गिन सकते हैं, लेकिन इससे कम होना अभी के लिए नियर 10 साल के अंदर इंडिया में पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसलिए ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर एक्जोटिक बर्ड्स आपको खरीदने तो सिर्फ और सिर्फ अल सुगरा फिश एंड एक्वेरियम गुजरात को कांटेक्ट करिए। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में।